हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारे पास आज एक फोन आया है जो कि UFS चिप लगा हुआ है, MI का Redmi 9 Power। तो ये मॉडल आप देख सकते हैं, Redmi 9 Power है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके अंदर आ रही सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चार्जिंग लगा रहता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही फोन ऑन होता है सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का यह इशू एक आ रहा है आपके सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं फोन फिर से बंद हो गया, फिर रिबूट हो जा रहा है और सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड पे ये एरर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये फोन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। लोग बोलते हैं कि इसके अंदर EMMC का प्रॉब्लम है, UFS का प्रॉब्लम है, फ्लैशिंग का है, CPU का है। तो हम यहाँ पे लाइव देखेंगे कि ये प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगा। पहले तो हमारा जो पहला स्टेप है फ्लैशिंग होगा। पहले हम इसको फ्लैशिंग करके देखेंगे। कोई भी टूल जैसा कि UMT टूल है, अनलॉक टूल है, बहुत सारे टूल है मार्केट में जहां से हम इसको UFS को फ्लैशिंग कर सकते हैं। अगर इसका लोडर फाइल इसके अंदर ऐड है तो आप इजीली फ्लैश कर सकते हैं ऑफलाइन तरीके से UFS का। तो पहले मैं इसको फ्लैशिंग करूंगा। अगर इन केस इसमें फ्लैशिंग में अगर इश्यू आता है या कुछ इश्यू आता है तो हम इसके बाद नेक्स्ट हार्डवेयर में बताएंगे। UFS निकाल के हम इसके अंदर जैसे कि जेटैक बॉक्स या फिर MIPI से बॉक्स से हम इसको UFS प्रोग्रामिंग करेंगे। तो पहले हम इसको USB से फ्लैश करेंगे। सबसे पहले फ्लैशिंग करने के लिए आपके पास फ्लैश फाइल होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास फ्लैश फाइल ऑलरेडी मैंने इसके डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, जो कि 5GB 4GB के ऊपर होता है साइज में। तो टाइम लगेगा इसके लिए, पहले ही मैंने एक्सट्रैक्ट करके डेस्कटॉप पे रख लिया, जिसकी वजह से अपना टाइम वीडियो में थोड़ा सा टाइम बच जाएगा वीडियो के लिए। तो जैसे कि मैं आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे मेरी फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, जो कि लाइन मॉडल जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो उसका प्रोडक्ट नेम है फ्लैश फाइल का, लाइन ग्लोबल बोल के है। और यहाँ पे इसके अंदर ये हमारी फ्लैश फाइल होती है सारी कुछ। तो इसको मैं सबसे पहले UMT के जरिए से फ्लैश करूंगा। जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, मेरे पास यहाँ पे UMT है। तो पहले मैं UMT से इसको एक बार फ्लैश करके देखता हूँ। तो सबसे पहले हम कॉलकॉम का टूल ओपन करेंगे, कॉलकॉम QC फायर का। तो यहाँ पे टूल ओपन होने देंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इसको EDL मोड में फ्लैशिंग करके देखते हैं कि ये कहीं पे एरर आ रहा है तो कौन सा एरर आ रहा है, वो हिसाब से हम उसको प्रॉब्लम फाइंड करेंगे। पहले देखते हैं कि फ्लैशिंग में प्रॉब्लम है। और आप ये भी देख सकते हैं ये ऑलरेडी इसके अंदर कुछ भी काम नहीं किया हुआ, एकदम फ्रेश बोर्ड है, जो कि इसका पेस्टेड IC वगैरह अभी हमने इस पर कुछ भी नहीं काम किया। आप देख सकते हैं CPU UMMC UFS उसका ब्लैक पेस्टेड, अभी भी ये पेस्टेड में है, कुछ भी काम नहीं किया है। तो हम डायरेक्टली इसके अंदर पहले तो हम फ्लैशिंग कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके यहाँ पे बता रहे हैं, हम यहाँ पे फ्लैशिंग आपको लाइव करके दिखा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा टूल ओपन हो गया है। और एक बार सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल को लोड कर लेता हूँ, रो प्रोग्राम 0 में आके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेस्कटॉप पे हमारी जो फाइल यहाँ पे सेव की है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लाइव, यहाँ आ जाएंगे इमेजेस फोल्डर में आ जाएंगे और रो प्रोग्राम 0 को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ओके कर लेंगे। और पैच 0 तो ऑटोमेटिक लोड हो जाती है, फिर भी हम यहाँ पे मैन्युअली एक बार लोड कर लेंगे। उसके बाद हम फ्लैश पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे फोन अभी कनेक्ट ही नहीं है, तो EDL मोड में हमें कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए टेस्ट पॉइंट होता है, अगर आपको पता नहीं है तो एक बार गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं मॉडल के हिसाब से। तो यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट है, हम इसको टेस्ट पॉइंट के जरिए से कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन कनेक्शन के लिए वेट कर रहा है और यहाँ पे हम सिंपली ये दो पॉइंट को टच कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम केबल इंसर्ट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कॉलकॉम का हमारा पोर्ट बन गया है। तो वेट करते हैं पूरा फ्लैशिंग कंप्लीट होने तक, देखते हैं यहाँ पे कहीं डिटेक्शन में भी कभी कभी आपको यहाँ एरर आ जाएगा कि यहाँ पे स्टोरेज में कोई इश्यू है या कुछ प्रॉब्लम है, डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप फेल हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे तो अभी ओके हो गया है और यहाँ पे UFS 128GB का स्टोरेज भी शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे स्टोरेज हमारा ठीक से लगा हुआ है ना, ये मतलब ड्रॉप डाउन केसेस में गिरा हुआ भी नहीं फोन है, एकदम नॉर्मल है, जो कि IC इसमें लग के। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे फ्लैशिंग तो हमारी स्टार्ट हो गई है, अभी यहाँ सुपर की फाइल फ्लैश हो रही है, जो कि मेन सुपर जो है तो हमारी मेन सिस्टम फाइल होती है। तो पहले इसको फ्लैश होने देंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा या इसके नेक्स्ट हम UFS में काम करेंगे। तो वेट करते हैं, एक 5 मिनट्स वेट करेंगे इसके अंदर। तो जैसे कि फ्रेंड्स, अभी हमारा जो 27 दिसंबर का बैच स्टार्ट हो गया है और नेक्स्ट हमारा जो 27 जनवरी का बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो अभी नीचे जो नंबर दिए गए जो नंबर है उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। और दूसरा आपको जो भी जैसे कि
कोर्स के बारे में डिटेल्स लेना है या अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे कितने दिन का कोर्स होता है क्या होता है, तो पूरा उस नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। तो आपको यहाँ पे बुकिंग, अभी हमारी सीट बुकिंग चालू है 27 जनवरी की, तो आप जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स, जैसा कि अभी जनवरी का हमारा बुकिंग स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे जैसे कि बुक इसलिए आपको यहाँ आना है क्योंकि जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम आती है, हम जब फ्लैशिंग करते हैं UMT के अंदर कुछ ना कुछ एरर आपको शो करेगा। फ्लैशिंग करने में एक एरर आ जाता है जिसमें आपको परेशानी हो जाती है कि ये फोन ऑन नहीं हो रहा है या लोगों पे स्टक हो गया है या एरर आ रहा है, सिस्टम पार्टीशन मिसिंग आ रहा है। तो यहाँ पे हर एक एरर का हम यहाँ पे लाइवली यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्यूशन देते हैं और आपको डायरेक्टली सोल्यूशन बताते हैं। और हमारे पास बहुत कुछ यहाँ पे स्टूडेंट को हम देते हैं जो कि यहाँ पे जैसा कि यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ना, आप किधर कई और जगह पे देख सकते हैं। हम यहाँ पे उनको स्पेशली ये चीजें बताते हैं और प्लस हम यहाँ पे पूरा स्पेशल डाटा भी देते हैं जो कि जो अलग अलग स्पेशल फाइलें होती है वो सारा कुछ हम यहाँ पे कोर्स में स्टूडेंट को देते हैं कि वो आगे चल के वो चीज के ऊपर अच्छे से काम करे, ना कोई प्रॉब्लम आए ना कुछ उसके ऊपर इश्यू आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे पास स्पेशल होती है, फाइल्स वगैरह होती है, MMC चेंज फाइल होती है और बहुत सारे सिक्योरिटी के प्रॉब्लम वाले जो भी इशू आते हैं वो सारे चीजें हम इसके अंदर आपको स्टूडेंट को हम फाइल देते हैं डाटा में। और यहाँ पे जैसे कि एरर्स और MMC प्रोग्रामिंग करना, जैसे कि MMC के अंदर हेल्थ रिपेयर और MMC के अंदर RPM भी क्लीन कर लेना, सैमसंग के अंदर RPM भी क्लीन किस में करना चाहिए और किस में नहीं करना है वो पूरा इशू हम यहाँ पे बताते हैं सारा चीज। तो ये सारे चीजें हम यहाँ पे कोर्स में बताते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 27 जनवरी का जो बुकिंग चल रहा है। तो आप नीचे नंबर दिए उस पर आप कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि अभी आधा फ्लैश हो गया है और वेट करेंगे और टाइम लग सकता है क्योंकि UFS है, इसमें टाइम जैसे बाकी के MMC के मुकाबले में टाइम लग सकता है, बाकी के कुछ 5 मिनट 6 मिनट या 10 मिनट के अंदर हो जाते हैं, हो सकता है इसको 10 मिनट से ज्यादा भी लगे, लेकिन वेट करना है जब तक हमारा काम पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स वेट करते हैं, सुपर फाइल हो रही है, उसके बाद हमारी यूजर डाटा वगैरह हो जाएगी, उसके बाद जैसे कि एक एक वी बेटा परसिस्ट सारे एक एक करके फाइल राइट हो रही है। तो देखते हैं कहाँ पे इशू आता है हमारे फोन के अंदर। तो एक 5 मिनट्स और वेट करेंगे और देखते हैं यहाँ पे हमारा फोन में फ्लैशिंग पे सॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है तौफिक सर, जैसा कि ये फोन में सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय करके एरर आ रहा, तो ये किस वजह से एरर आता और इसका पहला स्टेप बच्चे क्या करते हैं, ये इस पे करना क्या, कंफ्यूज हो जाते हैं ये एरर देख के कि UFS खोलना, प्रोग्रामिंग करना। अब UFS उनके पास होता नहीं और हम UMT से काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग समझते हैं मेरे पास जेटैक नहीं है तो मैं UFS किससे प्रोग्रामिंग करूं, कैसे फ्लैशिंग करूं। तो अब ये नॉलेज होना है कि UFS को हम UMT से भी प्रोग्रामिंग फ्लैशिंग कर सकते हैं या फिर बहुत सारे अलग अलग टूल्स है उसको भी कर सकते। तो ये तो बच्चों को पता नहीं होता कि UFS तो लग के है लेकिन जेटैक से होगा या कोई टूल से कर सकते। तो ये जो एरर आया पहले ये आता किस लिए और को पहला आप यहाँ पे फ्लैशिंग कर रहे हैं, बच्चे समझते कि प्रोग्रामिंग करना पड़ जाए लेकिन किसी किसी में फ्लैशिंग से नहीं होता तो फिर तब जाके प्रोग्रामिंग में जाते, तो तब क्या करना पड़ता। तो ये पहले तो बताइए एरर आया क्यों। तो ये बात बहुत अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन जो है कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है, ये फोन में ऐसे एक से प्रॉब्लम जो आ रही है लोगों पे, सिस्टम पार्टीशन मिसिंग, सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड या सिस्टम UI इजंट रिस्पोंडिंग, इतने सारे जो फोन्स में इशू आते हैं, ये आने के रीजन जो है मैं बताता हूँ स्टेप बाय। जैसे कि ये फोन आप देख सकते हैं कंडीशन में, ये फोन गिरा हुआ नहीं, डैमेज नहीं, कुछ नहीं है, मतलब यहां से तो ये बाहर से गिरने से तो हुआ नहीं है, ये आपके अपडेट में आने की वजह से भी होता है। जैसे कि फोन में अपडेट आ जाता है, जैसे कि अभी ट्रेंड चल रहा है 13 जैसे सिस्टम जो आ रहा है अपडेट एंड्रॉइड 13 का, जैसे अपडेट करते हैं फ्रंट कैमरा बंद हो जाता है या म्यूजिक बंद हो जाती है या फिर आपका सिस्टम यूजर UI आ जाता है या बहुत कुछ चीजें आ जाती है। इसमें क्या होता है तौफिक सर, जैसा कि इनका स्टोरेज हो गया 64 GB या फिर 128, तो जब ये अपडेट ऑनलाइन आता है ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है तो वो फोन के अंदर उतना स्पेस रहता नहीं इनका, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर की फाइल है जब हम अपडेट देते तो सबसे पहले वो एक्सट्रैक्ट होती और ओप्पो वीवो की जो फाइल रहती है 4 GB 5 GB की, और इनके पास फोन में स्टोरेज 64 GB में ऑलरेडी ये लोग तकरीबन यूज किए हुए रहते, तो वैसे टाइम पे जब ये अपडेट दे देते नोटिफिकेशन पकड़ के तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंटरनल स्टोरेज इनके पास रहता नहीं, आधी फाइल फ्लैश हो जाती और आधी जो है सो रुक जाती, तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये सिस्टम पूरा करप्ट हो जाता है इनका, ये भी एक इशू आता। देखो ये तो पहली बात, आप तो फुल डाउनलोड के बाद बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कि अगर वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, जैसे कि वाईफाई में अनलिमिटेड नेट होता है, किसी के पास 1.5 GB नेट आता है, किसी के पास 1 GB होता है, किसी के पास 2 GB पर डे आता है, तो वो लोग क्या करते हैं जैसे कि फोन अपडेट में लगा देते हैं और फाइल होती है उससे ज्यादा, जैसे कि 3 GB का 4 GB का फाइल हो गया और इंटरनेट होता है इनके पास 1.5 GB, तो उन लोग क्या करते हैं
जब तक जितना 1.5 GB होता है उतना डाउनलोड कर लेते, उसके बाद स्टॉप हो जाता है डाउनलोड, और उसके बाद फिर वाईफाई कनेक्ट करते या वापस से नेट का रिचार्ज करके फिर से कंटिन्यू करते। तो इस कंडीशन में याद रखिए कि ये जो फाइल जब आप रिज्यूम करते हैं फाइल को वापस से डाउनलोड, उस कंडीशन में ये करप्ट हो जाती है। तो ये बहुत से कम लोगों को पता है कि कभी भी बीच में जब डाउनलोड हो रहा है, अपडेट हो रहा है जो फोन में से हो रहा है, तो बीच में इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए। अगर ये बीच में नेट के कारण इंटरप्ट हो गया फिर आप फिर से उसको रिज्यूम करते हैं तो आपका ये अपडेट करके मतलब नहीं है। इसी में ये आपका फोन एक तो डेड हो जाता है, लोगो पे आ जाता है, या फिर इस तरह सिस्टम है। ठीक है, ये तो कस्टमर करके लाता अपने पास, लेकिन अब आ गया दुकानदार के पास, एक टेक्नीशियन भाई के पास आ गया। अब उसका पहला स्टेप क्या रहेगा, जैसा अपन तो अभी फ्लैशिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं इसमें इजी अटैक में काम करना होगा, UFS है, तो चलिए पहले तो हम फ्लैशिंग करेंगे। फ्लैशिंग से तो हम पहले देखते हैं, अगर इससे नहीं होता है तो उसको फाइलों की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद वो जेटैक से कौन सी फाइल में काम कर सकता है। देखो फ्लैशिंग तो आप जेटैक से भी कर सकते हैं, UFI से भी कर सकते हैं, MIPS से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली कौन से फाइल के अंदर क्या इश्यू आता है, ये फाइलों के हिसाब से भी हम यहाँ पे डीप नॉलेज देते हैं कि एक एक फाइलों के अंदर कौन सा फाइल मेन होता है, कौन सा आपका MI अकाउंट किसी में होता है, किस में पैटर्न लॉक होता है, किस में FRP लॉक होता है, किस में आपका सिक्योरिटी होता है, मेन मेन चीजें जो फाइल होती है, एक एक फाइल के बारे में हम डीपली बताते हैं। देखिए नॉलेज नहीं है तो बच्चा क्या करेगा, UFS खोलेगा, फुल पूरा डंप रीड करेगा या राइट करने की कोशिश करेगा, या अदर वर्जन की फाइल डाल देगा उसमें थ्रेड पूरी तरह से, पूरा जो है ना फोन उसका जो पहले ओरिजिनल डाटा था या ओरिजिनल उसका डंप था वो सब उसका खत्म हो जाता है ऐसे में। तो ये फाइलों की नॉलेज लेने के लिए यूट्यूब पे तो कोई देते नहीं फ्री में, ठीक है, और देंगे भी तो पूरा रॉन्ग बताएंगे, गलत बताएंगे, उसका फोन कभी चालू नहीं होगा, उल्टा बंद हो जाएगा। लेकिन क्या होता है पूरे स्टेप नहीं रहते, स्टेप बता के स्टेप को घुमा देते हैं और वहां पे वो चेंज हो जाता है, जो आप करना चाह रहे हैं वो तो नहीं होता और वो कुछ और बता देते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपको YouTube पे कोई फुल नॉलेज नहीं देता है फ्री में, जाहिर सी बात है नहीं दे सकता, कोई देते नहीं। और वो थोड़ा बहुत भी नॉलेज देंगे तो उनके व्यूज के लिए या रिव्यू के लिए देंगे, लेकिन अगर अपना बिजनेस है ये फ्री से कहां से कहां से सीखेंगे, लगाना चाहते हैं तो लगाना भी पड़ेगा। वेरी गुड, अगर नहीं लगाएंगे तो फ्री में हर कोई नहीं बैठा है, फ्री में तो घर वाले भी हमें कोई चीज खाने के लिए नहीं देते, ना कोई हमारे रिश्तेदार हमें। तो हम कोर्स के दौरान इनको बहुत सारे ऐसे टूल्स बताते और ऐसे टेस्टेड फाइलें कहाँ से डाउनलोड करना है क्या है ये सब फ्री में बताते हैं, और कुछ टूल्स भी देते हैं इनको, ऐसे ही इनके 20-25 हजार रुपए का ऐसे ही कवर हो जाते हैं। यस सर, ना बहुत सारे होता है, और हम भी फाइल देते हैं जो कि नेट पे नहीं मिलता, ना कोई पेड वेबसाइट पे मिलता, हम खुद एक टेस्टेड फाइल बना के रखते है और वही फाइल। और अभी तो बहुत सारे टूल्स मार्केट में डेली डेली आ रहे हैं और वो लोगों का काम ये है कि टूल बेचना, एक टूल वाले ने टूल बना दिया और उनका काम ये है टूल बेचना। देखो हमारे पास अभी तक अपन बताते बच्चों को 2 से 3 टूल के अंदर सारा सॉफ्टवेयर का काम हो जाता, लेकिन मार्केट में 200 टाइप के टूल्स है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते इतने टूल खरीद खरीद के। इश्यू क्या होता है, सारे टूल अच्छे है, ऐसा नहीं है कि कोई टूल बेकार है, लेकिन देखो इतने सारे टूल नहीं ले सकते हम, मतलब 10 टूल मार्केट में आ रहे हैं और 10 के 10 हम लेंगे तो ये तो आपका पैसा वेस्ट है, क्योंकि सब में काम सेम होता है, सब में काम सेम होता है, बस कुछ ऐसा होता है कि जैसा कि पहला कोई वर्ल्ड फर्स्ट अपडेट दे देता है तो वो अपनी वहां पे लेकिन अभी तो जो ये लेना है बता, इतने टूल्स आ रहे हैं इसमें तो कुछ ऐसा नया अपडेट तो आया नहीं, हर एक टूल में सेम अपडेट आता है, लेकिन इतना है कि आगे पीछे होता है टाइम, कोई 8 दिन पहले निकालता है, कोई 1 महीना पहले निकाल लेता है वो मॉडल का, बस इसकी वजह से क्या होते हैं लोग परेशान होते हैं और टूल खरीदना शुरू कर देते हैं। इतने नाम आ रहे हैं BMT फलां SMDM, बहुत सारे टूल निकले हैं, तो वो इतने आप पैसा अगर खर्चा करोगे तो लाख रुपए ऐसे चले जाएंगे टूलों के पीछे, कमाएंगे कब, खाली टूल ही खरीदते बैठेंगे खरीदेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि UMT बेस्ट है, हालांकि उसमें अपडेट कभी लेट भी आता है, लेकिन उसमें वो बोल नहीं सकते हम ये थोड़ा सा मतलब बाकी टूलों के हिसाब से कम है, ये बाकी मुकाबले में बहुत अच्छा भी टूल है, अनलॉक टूल भी बेस्ट है। तो ये डेली के डेली अपडेट भी आते हैं, अनलॉक टूल के अंदर देख सकते हैं आप 4 दिन 8 दिन के अंदर अपडेट कुछ ना कुछ देते रहता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 टूल या 3 टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे टूल खरीदना बेकार चीज होगी, आपका पैसा वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी सब में सेम है। अच्छा अभी UMT बताया आप, तो UMT और UMT प्रो में थोड़ा सा बताइए क्या डिफरेंस है। UMT और टूल एक्स्ट्रा जो कि एवेंजर्स बोल के टूल आता है, वो एक टूल चलेगा जो कि यूज में नहीं है, वो टूल यूज में नहीं है, तो उसकी 1000 रुपए बढ़ गए, बाकी तो दोनों में एक्टिवेशन और MT के टूल UMT का उसमें तो सब कुछ हो जाता होगा। बाकी UMT में अगर ओल्ड है जिसके पास जो कम हो रहा है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर डाउटफुल ये है, अगर जो नया लेना चाह रहा है वो कंफ्यूज होता है कि लेना कौन सा है, तो मेरे हिसाब से UMT प्रो ले, क्योंकि
अभी तो उसमें एक टूल चल रहा है जैसे कि एवेंजर, और यूमटी में नहीं चलता है। हो सकता है कोई और टूल उसके अंदर टाइप हो जाए। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ऑपरेशन फिनिश हो गया। और अब यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं फोन के अंदर कि हमारा जो सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का जो प्रॉब्लम आ रहा था अब वो यहाँ फ्लैशिंग से सॉल्व हुआ नहीं हुआ। एक बार यहाँ पे तो देख सकते हैं फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे पूरी मेरी फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई, FRP वगैरह पूरा वन क्लिक में सॉल्व हो चुका है। अब एक बार यहाँ पे हम एक बार उसको बैटरी लगा लेते हैं और एक बार चार्जिंग लगा के देखते हैं। तो जैसा कि चार्जिंग लगाते ही यहाँ सिस्टम हैज बीन डिस्टॉर्ट डायरेक्टली आ रहा था, अब यहाँ पे सिस्टम हैज बीन डिस्टॉर्ट लिख के नहीं आ रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं रेडमी का लोगो आ रहा है। तो जैसे कि देख सकते चार्जिंग लोगो आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते पहले नहीं आ रहा था, डायरेक्ट सिस्टम हैज बीन डिस्टॉर्ट लिख के आ रहा था, अब यहाँ पे चार्जिंग का लोगो आ रहा है। अब इसको हम सीधा एक बार ऑन करके देख लेते हैं। 4% पे है तो मैं यहाँ पे पावर की प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बूट अप कर लिया हो फोन को पहले, अब यहाँ फर्स्ट लोगो पे है। अगर यहाँ पे सेकेंड लोगो आ जाता है बिना कोई एरर के तो मेरा फोन नॉर्मली ऑन हो चुका है, मतलब मेरा प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं। तो फर्स्ट लोगो पे है, अगर MIUI जैसे कि बड़े इसमें आ जाएगा लिख के तो वहां पे हमारा सेकेंड लोगो होता है। जैसे कि 12 वाले वर्जन में बड़े MIUI आता है और 10 वाले 11 में नीचे 3 डॉट आते हैं, तो ये सेकेंड लोगो होता है। तो देखेंगे हमारा सेकेंड लोगो आता है या नहीं आता है, अगर आ जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तौफिक सर, ऐसे में इस तरह का जो सिस्टम डिस्ट्रॉय का प्रॉब्लम है, ऐसे में बहुत बार देखा गया स्टूडेंट इस तरह से फ्लैश भी कर लेते, उसके बावजूद जो सिस्टम डिस्ट्रॉय का तो प्रॉब्लम हट जाता, लेकिन वहां पे फोन ऐसा रेडमी लिख के आता है और रिस्टार्ट ही होते रहता लोगो पे, इसके बाद एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती। जैसे कि ये फोन तो अभी सेकंड लोगो पे आ गया, तो उसके लिए क्या करना है? अगर से फोन रिस्टार्ट होता है, बहुत सारे बच्चों के सॉल्व नहीं होता, बच्चे बोलेंगे यार सर तो UMT से करके फेक वीडियो बना दिए, लेकिन क्या हमारे पास स्टूडेंट ऐसे फोन को फ्लैश करने के बाद भी रीस्टार्ट हो रहा है वो इंस्टीट्यूट लेकर आएगा कोर्स में, तो क्या उसको आप इजी ट्रिक बता देंगे कि रीस्टार्ट ना हो और पूरा खुल जाए? देखो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, तो उसको डायरेक्ट तो जादू जैसा सोल्यूशन तो नहीं होता है। तो हम यहाँ पे उसको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो कि वो अगर लोगो पे ही अटक गया है, सिस्टम हैज बीन डिस्टॉर्ट के बाद भी वो लोगो पे अटकता है, तो हमारे पास हार्डवेयर से नहीं, हम उसको सॉफ्टवेयर से ही सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हार्डवेयर से किया है ये किया है, लेकिन इसको हम सॉफ्टवेयर से ही करेंगे। हमारे पास ट्रिक है, टेक्निक है ऐसा, और हम अपडेट है अभी यहाँ पे, है ना, तो भी बता सकते हैं, जादू तो नहीं है, हमारे पास रिसर्च है जिससे हम बच्चों को इस तरह के प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि इनके पास तो लोगों पे रुक जाएगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के ने, और ये कोई फेक वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोई सेट ऐसा आता है तो आप इंस्टीट्यूट लेकर आइए, ज्वाइन करिए क्लास, लाइव हम आपको रिपेयर करके बताएंगे, USB से ही करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपको फाइलों का और टूल का और सॉफ्टवेयर का अच्छा डिटेल में नॉलेज होगा, तभी आप हैंडसेट रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज आप समझेंगे सिस्टम डिस्ट्रॉय तो चला गया, आप लोगों पर अटक गया, अब क्या करें, फिर प्रोग्राम करें, फिर दूसरी फाइल से फ्लैश करेंगे, फिर तीसरी फाइल से फ्लैश करेंगे, ऐसे में तो वो सॉल्व होगा नहीं, कुछ भी नहीं है। देखो फाइल हमारी खराब नहीं होती है, उसको नॉलेज ही नहीं है जिसका, वो फाइल पे फाइल चेंज करते रहेगा, प्रिपरेशन होते रहेगा, टाइम वेस्ट करते रहेगा। अगर वो अच्छे से सीख लेगा, अगर ज्वाइन करेगा इंस्टीट्यूट या सीख लेगा यूट्यूब देख देख के, तो ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर उसको फाइलों का और सॉफ्टवेयर के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं मिलेगा, एक टीचर के से सीखेगा नहीं, जब तक वो फंसते रहेगा हर बार उसको बीच में कोई ना कोई परेशानी होती रहेगी। हाँ, वे नहीं मिलेगा उसको। अपने पास अगर कोई सेट है तो ऐसा ला सकता है स्टूडेंट, सिस्टम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कितने भी, अगर आपके पास है द मिनिमम 10 फोन आप कभी भी ला सकते हैं, और कैसे भी रिलेटेड वाले, MMC वाले रिलेटेड, UFS वाले रिलेटेड, हैंग ऑन लोगो वाले, MMC डेड वाले, हर एक अलग अलग टाइप के फोन आप ला, जितने भी MMC चेंज है हम पूरा लाइव बताते हैं, लाइव बनाएंगे, उनसे भी बनाएंगे, हम भी बताएंगे और उनसे भी बनवाएंगे, सारा MMC यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, MMC प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, MMC अनलॉकिंग कर सकते हैं, MMC अपग्रेड कर सकते हैं, स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, डाटा रिकवर कर सकते हैं, MMC और सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज हम बताते हैं, बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट करके उनको सुपर एडवांस लेवल तक बताते हैं, जिसमें UFI, ईजी चटैक और MIPI टेस्टर 3-3 बॉक्सेस है हमारे पास, आपको जिसमें बेटर लगे जो आपके पास बॉक्स है उसमें हम सिखाएंगे। तो सर ये पूरा ऑन हो जाएगा अभी? तो अभी सेकंड लोगो है तो मेरे हिसाब से तो ऑन हो जाएगा, लेकिन देखो इन केस में सिस्टम है इसमें डिस्ट्रॉयड दो तरीके से आते, एक तो फाइल की खराबी की वजह से, करप्ट होने की वजह से, दूसरा है हेल्थ MMC का। अगर MMC हेल्थ भी अगर खराब है तो आपका ये सिस्टम है इसमें डिस्ट्रॉयड आता है, लेकिन इसके अंदर है UFS लगा हुआ और UFS के अंदर अभी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती है, तो उसके लिए ये तो मैं श्योरली था कि इसके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बहुत कम आती है उसमें।
तो लेकिन जिसके अंदर ऑलरेडी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी सेकंड लोगों पे या सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड आता है, तो उसको फ्लैशिंग से अगर ये लोगों पे अटकता है तो हम उसको स्पेशल ट्रिक बताएंगे कैसे करना है, क्या चीजें होती है, कौन सी फाइलों को मॉडिफाइड करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कोर्स में लाइव बताते हैं स्टूडेंट के सामने। ठीक है, तो ये चीजें अब ये सेट पे बहुत बच्चे एपीटी पावर या सीपीयू पे हीट मारते हैं या कुछ कैपेसिटर निकालते हैं तो वो सॉल्व होने वाला है नहीं, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर से इश्यू है तो अब हार्डवेयर में कितना भी हीट मार ले, कोई भी आईसी चेंज कर ले, नहीं होगा। और जिस फोन में हार्डवेयर का इश्यू है उसमें कितना भी आप सॉफ्टवेयर कर ले वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हार्डवेयर से प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है, ये आपको कोर्स के दौरान ही सीखने मिलता है। तो जैसे ये टाइम लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर बूट होता है तो टाइम लेता है कुछ फोन, बाद में सेकंड टाइम ये तो एक नॉर्मली टाइमिंग के अंदर हो जाता है ऑन, लेकिन जैसे कि फर्स्ट टाइम ये अगर टाइम ले रहा है तो हो सकता है ये पूरा अभी वेट करो तो पूरा बूट अप हो जाएगा। तौफिक सर थोड़ा ये बताइए सॉफ्टवेयर में क्या क्या सिखाते हैं यहाँ पे बेसिक से, क्योंकि UMC प्रोग्रामिंग तो हम बताते ही है, बेसिक से क्या क्या बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखे ये ऑन हो गया तो मेरा क्वेश्चन था थोड़ा खुलने तक, तो बेसिक में थोड़ा क्या बताते हैं, थोड़ा सॉफ्टवेयर में बताइए। देखो जैसे कि बेसिक में बहुत सारे, पहले तो स्टेप है ड्राइवर्स टूल और उसको सीपीयू को पहले जानकारी होना चाहिए कौन से सीपीयू में कौन सा ड्राइवर कौन सा टूल, उनकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, उनके टूल्स के एक्सटेंशन टूल्स कौन से होते हैं, फ्री में चलाएंगे या पेड वाले टूल में यूज करना है। तो यहाँ पे हम पहले बेसिक से बताते हैं, पहले तो हम फ्री वाले टूल्स में बताएंगे कि आप कैसे एक बिना टूल के फ्लैश करते हैं कोई भी सेट बगैर पेड वाले फ्री वाले टूल बिना, जैसे फ्री वाले जैसे सर्विस सेंटर्स में जैसे कि डोंगल वगैरह यूज नहीं करते वैसे तरीके से मैं आपको फ्री वाले टूल से भी बताता हूँ, हर एक चीज बता देता हूँ, FRP निकालना, MI अकाउंट निकालना, फ्लैशिंग करना, ठीक है, हर एक चीजें मैं पहले फ्री वाले टूल से बताता हूँ, उसके बाद पेड वाले टूल भी लेना होते हैं, ऐसे नहीं है कि हर चीज फ्री में होगा तो सारा फ्री में काम करेंगे, हम पेड वाले बाद में बताते हैं कि पेड में क्यों करना होता है, जो फ्री में नहीं होता वो पेड में हो जाता है, जो पेड में नहीं होता वो फ्री में होता है। तो दोनों तरीके से हम यहाँ पे बेसिक से बताते हैं, ड्राइवर साथ टूल, फिर पीसी की नॉलेज, जैसे कि पीसी के अंदर जो वायरसेस आते हैं जैसे कि कुछ फाइल डालने के बाद तुरंत उड़ जाती है फाइल, तो वो चीजें बेसिक स्टूडेंट को नहीं पता होता है, जो पहले से काम करता है उसी को तो पता होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम काम कर रहा है इस फील्ड में आ रहा है और जो फाइल की सॉफ्टवेयर के बारे में नया है तो वो चीज के लिए उसके लिए तो पूरा नया होता है। बहुत सारे बच्चे ड्राइवर में भी फंस जाते हैं, अपडेट नहीं कर सकते, फोन कनेक्ट नहीं कर पाते, फोन अगर कनेक्ट हो भी गया बाय चांस तो टूल में ड्राइवर अनकम्प्लीट हो जाता है इंस्टॉल, फिर वो फोन फ्लैश नहीं होता, तो बहुत सारे दिक्कतें आती रहती है। तो वो सारे चीजें हम यहाँ पे सब पूरा एकदम क्लियर बताते हैं, साथ में उसको वीडियो भी देते हैं चीज का कि हम ये चीजें के सोल्यूशन आपको जाने के बाद भी मिले, रिवाइज कर ले, रिवाइज करने के लिए वीडियो भी देते हैं। ठीक है, एक बार पूरा ऑन कर लेते हैं, पूरा सेटअप कर लेते हैं, देख ही सकते हैं यहाँ तक तो अगर ये फोन आ गया तो मेरा फोन तो नॉर्मली हो गया है, कंप्लीटली ऑन एरर, हमारा जो इश्यू था वो सॉल्व हो गया, सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड का यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं ओनली फ्लैशिंग की है। अगर आपके पास और एक ऑन नहीं हुआ ट्रिक करना पड़ेगा, अगर ऑन करना है सेकंड लोगों पे ही अटक जाता है या फर्स्ट लोगों पे ही अटक जाता है तो उसके लिए कुछ स्पेशल चीजें होती है, उसमें मॉडिफाइड करना होता है, वो हम यहाँ पे बता देंगे, लेकिन मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं किया है। अगर आपके पास इनकेस ऐसा प्रॉब्लम आए तो की बात है, ठीक है, बहुत सारे बोलेंगे कि सर आपने तो यहाँ बता दिया हमारा फोन तो अटक गया, फिर ऐसा क्या आपने तो कुछ फेक वाला वीडियो तो नहीं बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किया, अगर होता है तो हमारे पास उसकी इसमें दो तरह का होगा, या तो सर रीस्टार्ट मारेगा या तो फिर ऑन हो जाएगा, और रीस्टार्ट मार रहा तो उसमें क्या करना है वो ही तो चीज सीखना है आपको, यस सर, है ना, ये फंसने वाली चीजें हम यहाँ बताते हैं कि कैसे करना है। तो ये तो हमारा लास्ट सेटअप कम्प्लीट हो रहा है, इसके बाद हमारा कम्प्लीटली फोन ऑन हो जाएगा, तो ये सारी चीजें हम पूरा स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट के साथ भी करवाते हैं ये काम, और हम एक्सप्लेन भी करते हैं हर एक फाइलों के बारे में, नॉलेज भी देते हैं। तो अब ये सारी चीजें अगर आपको सीखना है, ठीक है, तो ये घर बैठे बैठे आप नहीं सीख सकते, ना ऑनलाइन वाले कोर्स में सीख सकते, अगर आपको ये सीखना है लाइव हमारे सामने बैठना होगा, आपको हमारे सामने ये सारी चीजें लानी होगी, आपके पास ऐसे फोन प्रॉब्लमेटिक वाले फोन होंगे आप साथ में लेके आओ, ये फोन भी स्टूडेंट का ही है, अभी यहाँ पे बैच चल रहा है, स्टूडेंट है यहाँ पे, यस सर, का स्टूडेंट है नेपाल से, साजन साजन बोल के, हाँ रमेश साजन, दो जने हैं, वो नेपाल से लेके आया है यहाँ पे, दूसरे स्टेट दूसरे कंट्री से लेके आया, तो ये उसके लिए फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक काम करें, स्टूडेंट को एक सोल्यूशन मिल जाएगा, इसके लिए हम ये फोन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सारे आप भी लेके आ सकते हैं, आपके साथ साथ ये सारे फोन भी ला सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम वाले फोन ला सकते हैं, और लाइव यहाँ पे हम आपको बना के दिखाएंगे और आपसे भी बनवाएंगे और सारी जानकारी इसकी डिटेल्स देंगे हम। जैसा कि फोन पूरी तरह से खुल गया, थोड़ा एक बार थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहा है,